अंजलि सिंह दिल्ली में मौजूद हैं, जितेंद्र दीक्षित मुंबई में मौजूद हैं। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी। जितेंद्र, जिस तरीके से नांदेड़ में हिंसा भड़की, हजारों की भीड़ वहां पर देखने को मिली, मास्क नहीं लगाया हुआ था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, लेकिन सवाल तो तमाम उन रोड शोज और रैलियों पर भी खड़ा होगा जहाँ इन्हीं नियमों का पालन नहीं किया जाता है। हालांकि महाराष्ट्र में स्थिति खराब है, ये हम जानते हैं। जितेंद्र, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र में अब महाराष्ट्र सरकार कोरोना की जो स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है उसको देखते हुए अब लॉकडाउन करने की तैयारी कर रही है, और इस तरह के निर्देश उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते ही दे दिए थे प्रशासन को कि आप एक रोडमैप तैयार कीजिए कि किस तरह से इस लॉकडाउन पर अमल किया जाएगा। तो ये उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल के पहले हफ्ते से इस लॉकडाउन का ऐलान हो जाएगा और कई तरह के रिस्ट्रिक्शन होंगे। हालांकि ये लॉकडाउन उतना सख्त नहीं होगा जितना सख्त पिछले साल था, लेकिन लॉकडाउन को लेकर महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार में अंतर विरोध देखने मिल रहा है। खास करके एनसीपी लॉकडाउन का विरोध कर रही है, और एनसीपी का कहना है कि कोरोना से निपटने के लिए लॉकडाउन जो है वो एक कारगर जरिया नहीं है। इसके साथ साथ बीजेपी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसकी ओर से भी विरोध किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए लॉकडाउन पर अमल कर पाना जो है मुश्किल नजर आ रहा है। इसके साथ ही हमने देखा कि उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने भी कल के दिन ट्वीट किया था, और उन्होंने ये कहा था कि लॉकडाउन किए जाने से जो उसकी मार पड़ती है वो गरीब और मजदूर लोगों पर पड़ती है, इसलिए दूसरे विकल्प सोचे जाएं बजाय लॉकडाउन के। लेकिन जिस तरह से सरकार का रुख हमें नजर आ रहा है उससे ये लगता है कि सरकार जो है लॉकडाउन करने के पक्ष में है, और जल्द ही इसका ऐलान हो जाएगा। हो सकता है कि 2 या 3 अप्रैल तक इस दिशा में कोई कार्रवाई महाराष्ट्र सरकार की तरफ से की जाए। बिल्कुल जितेंद्र दीक्षित, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति विकट है, लेकिन 5 राज्यों में चुनाव के चलते जो रोड शो और रैली निकाली जा रही है, सवाल तो उनके लिए भी खड़ा होगा ना। आज महाराष्ट्र में कोरोना फैल रहा है, कल उन राज्यों में भी फैल सकता है। जी हाँ, ये बात सही है, और लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि जिस तरह से अभी हाल फिलहाल के जो रिसेंट चुनाव हुए उसमें जिस तरह की भीड़ थी, जो चुनावी रैलियां थी, ऐसी स्थिति में लोग बाहर आ रहे थे, एक दूसरे से मिलजुल रहे थे, और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा था, कोरोना से जुड़े किसी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। और ऐसे में अब सरकार जो है उल्टे लॉकडाउन की बात कर रही है बजाय इसके जो मौजूदा नियम है उन पर सख्ती से पालन करवाने के। हमने देखा कि हाल फिलहाल में अभी नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हुई है, लेकिन उसके पहले तक हम ये देख रहे थे कि किस तरह से रात में जो पब्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पर किस तरह से पार्टियां मनाई जा रही थी। और अभी भी आज सुबह की अगर तस्वीरें देखें तो लोग जो है दादर जैसे भीड़ भरे इलाके में बेरोक टोक घूम रहे थे, कईयों के मुंह पर मास्क नहीं था और कोई नियम का पालन नहीं हो रहा था। यही दिक्कत है लोगों को, अभी भी ये समझना होगा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, नियमों का पालन सख्ती के साथ करना होगा क्योंकि लॉकडाउन कोई उपाय नहीं है। और मैं अंजलि आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले इस समय की बड़ी खबर एबीपी रिपोर्टर में अपने दर्शकों को बता दें, चंडीगढ़ में 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, यानी वहां पर कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, और इसीलिए इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। महाराष्ट्र में स्थिति विकट है, और अब चंडीगढ़ में भी इस तरीके के मामले क्योंकि लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए इस खतरे को देखते हुए 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया है, उन्हें घोषित किया गया है। अब अंजलि सिंह का मैं रुख कर लेती हूँ, दिल्ली से अंजलि सिंह हमारे साथ बनी हुई हैं। अंजलि, होली में सभी जो सामूहिक कार्यक्रम थे उनमें रोक लगा दी गई थी, मैं आऊंगी आपके पास, उससे पहले एक बार ये आंकड़ा अपने दर्शकों को और समझा दें पंजाब की, क्योंकि हम बात कर रहे हैं चंडीगढ़ में 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदला गया है। 2805 नए मामले 27 मार्च के दिन आ गए, 28 मार्च की बात करें तो 2870 नए मामले आ गए, ये लगातार इजाफा इस संख्या में क्योंकि हो रहा था, तो इसी के चलते 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन में घोषित किया गया। 29 मार्च को ये मामले बढ़कर 2868 पहुंच गए, ये पंजाब का आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। अंजलि का मैं रुख करूंगी, अंजलि दिल्ली में मौजूद है, अंजलि क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लगातार मामले बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र की स्थिति हमने दिखाई, पंजाब में भी स्थिति जो है मामले लगातार बढ़ रहे हैं, और देश की राजधानी दिल्ली में भी दिल्ली सरकार ने तमाम एहतियात की घोषणा की है। अगर मैं आज और कल के आंकड़े की बात करूं तो इस समय क्या अपडेट आपके पास?
जो देखिए कल के आंकड़े की बात करें तो शोभना, जरूर दिल्ली के लिए भी हालात जो है वो चिंताजनक है, क्योंकि 1900 से ज्यादा नए केसेस सामने आए थे। और मैं सिर्फ आपको बहुत सीधे तरीके से सिर्फ मार्च के महीने की स्थिति अगर बताऊं तो 1 मार्च से 29 मार्च तक के बीच जो दिल्ली सरकार का हेल्थ बुलेटिन जारी होता है उसके मुताबिक 20,000 से ज्यादा केसेस अकेले मार्च के महीने में आए हैं। और अगर 28 फरवरी की बात करें तो उस दौरान तक जहां 150 से 200 तक औसतन केस रोजाना आ रहे थे, तो यानी 20,000 अकेले इजाफा जो है मार्च में हुआ है, अलार्मिंग सिचुएशन है। पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो करीब 3% के आसपास पहुंच गया, जो कि फरवरी में 0.3% के आसपास चल रहा था। तो कितना बड़ा उछाल है ये जरूर देखने वाली बात है। और ऐसे में तमाम दिशा निर्देशों का पालन करना दिल्ली वालों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि त्योहार के दौरान हमने देखा कि किस तरह से उल्लंघन भी लोग इसका कर रहे थे। बिल्कुल ठीक है अंजलि, और जितेंद्र ने हमें कोरोना की जो स्थिति, जो मामले बढ़ रहे हैं, किस तरह से चंडीगढ़ को भी कंटेनमेंट जोन 25 वहां पर बनाए गए हैं, उसी पर अपडेट लेने के लिए अब हमारे तीसरे रिपोर्टर सचिन चंडीगढ़ में मौजूद है, उनका मैं रुख करूंगी। मैं आपसे जानना चाहूंगी सचिन कि इस समय 25 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, क्या नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन जैसी स्थिति के ऊपर सरकार कुछ विचार कर रही है, क्योंकि पंजाब में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं। जी, पंजाब में और चंडीगढ़ में दोनों जगह ये मामले कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं। पंजाब में पिछले कल 2900 से ज्यादा मामले कोरोना के थे और 59 उसमें मौत थी, और चंडीगढ़ में भी पिछले कल 274 केसेस कोरोना के कल पाए गए थे। तो कहीं ना कहीं केसेस बढ़ रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन सोचने के लिए मजबूर हुआ है। पंजाब में फिलहाल जो है 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू है, नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू ही रहता है। हाँ, कहीं ना कहीं क्योंकि केसेस अब जो है, पिछले साल जब ये पीक था पंजाब में जब पीक था तो 3,500 के करीब ये केसेस जो है आते थे, तो वही स्थिति अब पंजाब में बन रही है। तो पंजाब में कहीं ना कहीं सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे इन सारे केसेस को, ये जो कोरोना फैल रहा है एक बार दोबारा, और जो रिपोर्ट भी कह रही है कि अप्रैल के सेकंड वीक में या थर्ड वीक में ये जो कोरोना जो है ये पीक पे जा सकता है, अभी जो ये सेकंड वेव इसकी पंजाब में है, तो कहीं ना कहीं पंजाब सरकार को कड़े कदम इसके लिए उठाने पड़ेंगे। जी ठीक है सचिन, आप नजर बना के रखिए। और एक और बड़ी खबर इस समय की मैं अपने दर्शकों को बता दूं, गुजरात के अहमदाबाद से ये खबर, IIM अहमदाबाद में अन्य और 10 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। 12 से लेकर 30 मार्च तक ये मामले जो थे वो 64 थे, अब 9 और छात्रों को और एक स्टाफ को कोरोना संक्रमण की खबर मिल रही है। 12 मार्च से 30 मार्च तक जैसा कि मैंने बताया कुल 64 लोग कोरोना संक्रमित थे। कल IIM अहमदाबाद में जो टेस्ट किए गए उसमें 10 लोग संक्रमित पाए गए हैं। तो ये MBA इंस्टीट्यूट है IIMS अहमदाबाद, 10 और लोग कोरोना संक्रमित हुए, यानी 64 में और ये 10 जोड़ दिए जाए तो 74 लोग अभी तक कोरोना संक्रमित होने के ये मामले बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं और ये संख्या तेजी से बढ़ भी रही है। रौनक पटेल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रौनक, इस खबर पर क्या अपडेट है, 74 पहुंच गया ये आंकड़ा IIM अहमदाबाद का? देखिए, ताजुब की बात है कि मैनेजमेंट की कॉलेज और यहाँ के छात्र मैच देखने जाते हैं 12 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में थी, 6 लोग मैच देखने जाते हैं उसमें से 5 संक्रमित आते हैं, वो 5 संक्रमित अपनी बात छुपाते हैं, निजी लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, अपना पता तक IIM का नहीं लिखवाते, अपने गांव का पता लिखवाते हैं, वो छुपाते हैं, एग्जाम देने का वो प्रयास करते हैं। और यही वजह रही कि एक के बाद एक करके 64 लोग अब तक आ चुके, आप समझ सकते हैं 2 हफ्ते में 64 लोग, और मैनेजमेंट की कॉलेज में, और वो भी पढ़े लिखे लोग अपनी बीमारी को, इस संक्रमण को छुपाए। खुद कॉरपोरेशन का आरोप है कि IIM अहमदाबाद के छात्रों ने एग्जाम दी थी, संक्रमित होने के बावजूद भी एग्जाम दी थी, हालांकि IIM ने उसको डिनाई किया था। लेकिन सवाल यह है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपने संक्रमण को छुपाए, तो सहज बात समझी जा सकती है कि इस प्रकार का संक्रमण ज्यादा फैलेगा। हालांकि उसके बाद में जरूर लिए गए हैं, IIM की ओर से भी लिए गए हैं, सभी छात्रों के बारी बारी टेस्ट भी करवाए जा रहे हैं, बाकी के जो भी स्टाफ है उनको भी टेस्ट करवाया जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इतना पढ़े लिखे लोग, मैनेजमेंट का जो पार्ट पढ़ाई कर रहे हैं, वो छात्र अपने संक्रमण को छुपाते हैं, उसे दिक्कत की और ताज्जुब की बात क्या हो सकती है? बिल्कुल रौनक पटेल, और ये पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं है, ये इस देश के नेताओं को भी समझना पड़ेगा। रोड शो निकालने से पहले, रैली करने से पहले भी ये समझना होगा कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। IIMS अहमदाबाद के छात्र अगर इस तरीके की लापरवाही करते हैं तो उन लोगों से क्या उम्मीद की जाए जो इतने पढ़े लिखे नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी रिपोर्टर्स का।
एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।